Hello dear, I'm Naresh on the way to Khajiar and Dhankun. So रास्ते में आप ये scenic beauty देखिए भाई, कितनी ज़्यादा fog है. Oh my god, कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, कुछ नहीं. We are very lucky कि आज इतना ज़बरदस्त हसीन मौसम है. So मेरे साथ है आज विकास जी, विकास ठाकुर. इससे पहले हम होके आए थे जोत, तो जोत की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, उसको देखें. अभी हम जा रहे हैं खजियार. खजियार का जो ट्रिप है बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है भाई. वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम निकालना पड़ता है, और आप जो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये प्यारी प्यारी वीडियो बना रहा हूँ मैं. सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट आल्सो. लूटे नज़ारे इन हसी वादियों का, और जो ये रास्ता है करें इसका एंजॉय. गो अहेड. ओ माय गॉड, रास्ते में ये हमने कार देखी है. सो पता नहीं इस कार को क्या हुआ, अच्छे से जली हुई है, ख़त्म हो गई है बिल्कुल जी. सो सैड. इन हसीन वादियों को देख के मन कर रहा है गाने का. वैसे तो मैं बाथरूम सिंगर ही हूँ, पर कोशिश करते हैं. आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम. मेरे एक प्यारे फ्रेंड हैं जिनका नाम है राजीव जी, जो मेरे साथ आपने अक्सर देखे होंगे बाइकिंग करते हैं. जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे पुराने गीत सुनाते हैं, तो उनके गीत सुन के मन फ्रेश हो जाता है. ये गाना राजीव जी आपके लिए है. तो राजीव जी आज मेरे साथ आ नहीं सके क्योंकि वो एक महीने के लिए गए हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. थोड़े दिन बाद वो वापस आ रहे हैं. सो यहाँ से कोई नियर अबाउट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है खजियार का. दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला उसके घर का पता. ए हवा तू बता. दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से, दीवाना मैं चला. एक्चुअली बचपन से जब भी मैं पहाड़ों में जाता था या किसी राइड पे जाना, ये जो गाना मैंने अभी आपको सुनाया है, तो हमेशा ये गाना सुनता रहता था क्योंकि गाना है ही बहुत ज़बरदस्त यार. और कहते हैं ना, पहाड़ों में तो आप कोई भी इमोशनल सॉन्ग सुन लें और कोई भी हार्ट टचिंग सॉन्ग सुन लें तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. सो रास्ते में एक छोटी सी जगह आई है और यहाँ छोटा सा झरना भी है. अक्सर यहाँ के लोग सैलड वगैरह की छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं, तो यहाँ का सैलड भी खाने में बहुत मज़ा आता है, हेल्थी भी है. देखिए वहाँ से आए थे हम. वाओ अमेजिंग. आप कभी भी डलहौजी आए तो कभी ना भूले खजियार आने का, दानकुंड आने का, और ये जो प्लेस है जोत यहाँ आने का, क्योंकि डलहौजी के बाद ये बहुत ज़बरदस्त प्लेसेस हैं और आपको रियली यहाँ घूमने का बहुत मज़ा आएगा.
क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है हमेशा। गाइज ये जो राइट साइड से रास्ता आया ये आया है चंबा से और हम सीधे जाएंगे डलहौजी रोड खजियार की तरफ। अभी यहाँ से खजियार रह गया है 7 किलोमीटर, डलहौजी 35, बनिखेत 41। कभी भी आप हिमाचल घूमने आए, हिमाचल क्या कहीं भी पहाड़ों में घूमने आए, प्लीज़ जो ये बरसाती मौसम होता है, मानसून होते हैं, इस मौसम में बिल्कुल ना आए क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस। क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो प्लीज़ इस मौसम को हमेशा अवॉइड करें। आपने वैसे भी टीवी में काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी कि मनाली में, मंडी में कितनी ज़्यादा तबाही मची है इस मानसून के कारण। सो भगवान सभी का ख्याल रखे, सो बी सेफ। कितना सो डाउन यार, ये पीछे बोर्ड लगा था खजियार का, वेलकम टू खजियार। तो नियर अबाउट खजियार यहाँ से 2 किलोमीटर होगा, 203। वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सुहावना मौसम है। खजियार से कोई 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ होटल हैं, पर जो खजियार का सेंटर पॉइंट है वहाँ नहीं, उससे नियर अबाउट 1 किलोमीटर आगे आके। सो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर, लोकेशन और जो यहाँ की नेचर ब्यूटी है काफ़ी ज़बरदस्त है। ऊपर पहाड़ों में देखिए धुंध पड़ी हुई है। वी आर वेरी लकी कि आज हमारा ट्रिप यहाँ का बन गया। हाँ जी सर जी, विकास जी ने ब्रेक लगा ली है। हाँ जी सर, ओके सुसु आई है, ओके ठीक है जी भाई। अब क्या करें, जब सुसु का सवाल आता तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। ओके गो अहेड। वाओ, वेलकम टू खजियार, क्या बात है जी।
वेलकम टू खजियार जी। सो वेदर यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। विकास जी ने पीछे ब्रेक लगा दिया बाइक की। और ये है सामने खजियार का एंट्री गेट, मिनी स्विट्जरलैंड। सो गाइस, ये है खजियार, मिनी स्विट्जरलैंड इन इंडिया। अभी यहाँ 5-10 मिनट ही बिताएंगे क्योंकि अभी नियर अबाउट कोई 1 PM का टाइम है और हम नहीं चाहते लेट नाइट हम घर जाएं। छोटे मोटे क्लिप वगैरह बना के हम यहाँ से निकलेंगे। सो एंजॉय करें मेरे साथ खजियार का। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये टेंपल है यहाँ का। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है। सो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट आल्सो। इसके बाद हम चलेंगे डायन कुंड। यहाँ से नियर अबाउट कोई 20-25 का रन होगा। रास्ते में फॉग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी।